हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए गायनेकोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में वीडियो लेकर आई हूं, जिसका मुझे बहुत सारा रिक्वेस्ट आया था। तो इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाने के पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि ये जो है यूजुअली आपको वाइवा में पूछा जाता है। तो हर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपको उस वाइवा में ये पहले तो उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसके यूज़ के बारे में बताना है, और आपको ये भी बताना है कि उसको आप कैसे स्टरलाइज करेंगे। तो हर इंस्ट्रूमेंट्स में आपको ये बताना है कि आपको यूज़ होने के बाद उस इंस्ट्रूमेंट को सोप एंड वाटर से वॉश करना है, और फिर उसको ऑटोक्लेविंग के लिए भेजना है। जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स है उसको आपको सोप एंड वाटर से वॉश करके ड्राई करके साइडेक्स में डालना है। शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को अगर आप हीट के द्वारा स्टरलाइज करेंगे तो वो अपना शार्पनेस खो देते हैं और वो ब्लंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जो इंस्ट्रूमेंट बता रही हूँ वो है सिम स्पेक्युलम। ओके, दिस इज सिम स्पेक्युलम। ये डबल ब्लेड का बना होता है, और इसके जो ब्लेड्स रहते हैं वो दोनों साइड में अलग अलग साइज़ के होते हैं, जो हम पेशेंट के वल्वा के हिसाब से, उसके साइज़ के हिसाब से यूज़ करते हैं। तो द नेम इज सिम स्पेक्युलम एंड इट इज़ यूज फॉर इंस्पेक्शन ऑफ वजाइना। वजाइना और सर्विक्स को इंस्पेक्ट करने के लिए, या कोई भी सर्जरीज लाइक DNC, DNE, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। और इसके साथ में जो दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है वो है एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर। ओके, एज यू कैन सी, ये जो है ये एक इस लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें ये दोनों साइड में सेरेशंस रहते हैं ताकि इससे ग्रिप मिले और वो स्लिप ना हो। और ये दोनों इंस्ट्रूमेंट्स अक्सर एक साथ यूज़ होते हैं। ये पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को डिप्रेस करने के लिए यूज़ होता है, और ये एंटीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करने के लिए। ये दोनों इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए हमेशा असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। ओके, द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज वॉल्सेलम। सो वॉल्सेलम ये एक ये मल्टीपल टूथ वॉल्सेलम है, ये सिंगल टूथ वॉल्सेलम भी हो सकता है। ये सर्विक्स के एंटीरियर लिप को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। ये ज़्यादातर अगेन DNC या DNE जैसे सर्जरीज में सर्विक्स को होल्ड करके अंदर का जो भी प्रोसीजर करना है उसके लिए यूज़ होता है। दिस इज़ वॉल्सेलम। ओके, इसमें कैच भी होता है सो दैट इट गिव्स गुड ग्रिप। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है यूट्राइन साउंड। दिस इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द यूट्रस एंड ऑल्सो टू फाइंड आउट कि वेदर द यूट्रस इज एंटीवर्टेड और रेट्रोवर्टेड। यू कैन सी, ये नॉर्मली जो यूट्रस होता है वो एंटीवर्टेड होता है, इसलिए ये आगे से थोड़ा सा बेंड होता है। और इसमें मेजरमेंट्स है, तो बिफोर डूइंग एनी इंस्ट्रूमेंट एनी सर्जरीज लाइक DNC जिसमें हमको इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डालना है, क्योंकि ये ब्लाइंड प्रोसीजर होता है, हमको पहले इंस्ट्रूमेंट का यूट्राइन साउंड डाल के वी सी द मेजरमेंट ऑफ द यूट्रस कि हमको कितने अंदर तक जाना है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हमको अंदर डालना है तो विथ हेल्प ऑफ दिस वी सी द मेजरमेंट, और उसके हिसाब से कि हमारा फंडस कहाँ तक जाता है उसके हिसाब से हम इंस्ट्रूमेंट को अंदर डालते हैं, तो इसको यूट्राइन साउंड बोलते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज ओवम फॉर्सेप। सो ओवम फॉर्सेप, एज यू कैन सी, इसमें कहीं यहाँ पे कोई भी कैच नहीं है, और यहाँ पे आगे में ये इस तरह से फेनेस्ट्रेटेड है, इसमें आगे में प्लेस है ताकि जो भी, दिस इज़ यूज फॉर रिमूविंग द कंसेप्टस। ओके, जो अगर इवैक्यूएशन के टाइम पे जो भी कंसेप्टस है उसको निकालने के लिए यूज़ होता है। और इसमें क्योंकि कैच नहीं है, इट डज़ नॉट कॉज एनी डैमेज टू द एनी टिश्यूज। बाय मिस्टेक अगर कोई टिश्यू अगर बीच में होल्ड हो जाता है, कैच हो जाता है, तो वो क्रश नहीं होगा और कंसेप्टस भी क्रश नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पे अंदर में स्पेस है, तो इसको ओवम फॉर्सेप बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है ये एपिजियोटमी सीजर। सो दिस इज़ अ शार्प इंस्ट्रूमेंट, तो इसको हम लोग को वॉश करके साइडेक्स में रखना होगा स्टरलाइजेशन के लिए। ये एपिजियोटमी देने के लिए यूज़ होता है, इसमें आगे में इस तरह से एंगल होता है ताकि वी कैन ईजिली इंसर्ट इनसाइड द वजाइना विथ आवर टू फिंगर्स बिटवीन द फिटल हेड एंड वजाइना। वी हैव टू पुट दिस सीजर इनसाइड एंड एपिजियोटमी देने के लिए ये यूज़ होता है। एंड दिस इज़ कस्को स्पेक्युलम। ये सेल्फ रिटेनिंग स्पेक्युलम होता है।
ये भी वजाइना और वजाइनल वॉल्ट को एग्जामिन करने के लिए या सर्विक्स को एग्जामिन करने के लिए यूज़ होता है. इन प्रोसीजर्स लाइक अगर कॉपर टी डालना है और यू डोंट हैव एनी असिस्टेंट, तो फॉर दैट यू कैन यूज़ दिस. इसमें बस पेशेंट के अंदर डाल के इसको स्क्रू को टाइट करने से ये ओपन हो जाता है. तो पैप्समियर लेना है या कोई भी बायोप्सी लेना है अगर सर्विक्स का, या फिर कॉपर्टी डालना है, तो ये सब प्रोसीजर के लिए ये वाला सेल्फ रिटेनिंग स्पेक्युलम, जिसको कस्क्यू स्पेक्युलम बोलते हैं, यूज़ होता है. नेक्स्ट है ये हेगास डायलेटर सेट. ओके, ये अगेन दिस इज़ यूज्ड फॉर प्रोसीजर्स लाइक डायलेटेशन इवैक्यूएशन और डायलेटेशन क्यूरेटास फॉर ग्रेजुअल डायलेटेशन ऑफ द सर्विक्स. इसमें सबसे छोटे साइज के डायलेटर से हम स्टार्ट करते हैं. यू कैन सी ये डबल एंडेड है डायलेटर है. देर आर सम अदर डायलेटर जो सिंगल एंडेड भी मिलते हैं, और इसमें यहाँ पे उसका साइज मेजरमेंट लिखा हुआ रहता है. तो सबसे जो पतला वाला साइड है वो हम पहले सर्विक्स में डालते हैं ग्रेजुअली, उसके बाद फिर उससे मोटा वाला, और लाइक दैट यू गो ऑन यू इंक्रीजिंग द साइज ऑफ डायलेटर जब तक कि आपको जो डिज़ायर्ड ओपनिंग सर्विक्स में जितना ओपनिंग चाहिए हो जाता है, तब तक के लिए इसको यूज़ करते हैं. सो दिस इज़ हेगार्स डायलेटर सेट. देर आर मैनी मोर पार्ट्स, मैंने अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही रखा हुआ है. ना दिस इज़ यूट्राइन क्यूरेट. ओके, ये भी डबल एंडेड या सिंगल वाला अवेलेबल रहता है. ये जो है डबल एंडेड, इसमें एक ब्लंट है और एक शार्प एंड रहता है. तो डायलेटेशन इवैक्यूएशन या डायलेटेशन क्यूरेटाज में क्यूरेट करना के लिए हम ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं. सो अगर नॉन डायलेटेशन एंड क्यूरेटाज कर रहे हैं तो वी यूज़ दिस शार्प एंड. बट अगर डायलेटेशन इवैक्यूएशन कर रहे हैं जो हम प्रेग्नेंट यूट्रस में करते हैं, तो यूट्रस सॉफ्ट होता है, तो उसमें हम ये ब्लंट साइड यूज़ करते हैं. अदरवाइज इट कैन कॉज परफोरेशन ऑफ द यूट्रस. नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप. ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर इंस्ट्रूमेंट है, आप लोगों ने बहुत देखा होगा. कॉमनली इट इज़ यूज फॉर ड्रेपिंग एंड पेंटिंग ऑफ द पार्ट प्रिपरेशन बिफोर सर्जरी, बट दिस इज़ ऑल्सो कॉमनली यूज इन गायनेक फॉर होल्डिंग द सर्विक्स सर्वाइकल लिप्स इन सर्टन प्रोसीजर्स इंस्टेड ऑफ वॉल्सेलम. दिस कैन बी ऑल्सो यूज. Now these are two types of delivery forceps, obstetric forceps. ये different size में और shapes में available रहता है, long forceps and short forceps. और इसमें different parts रहते हैं, जैसे कि ये इस forceps में मैं आपको दिखाऊँगी कि इसके अंदर में ये जो है blades है, ये shank है, ये lock है और ये handle है. In this also you can see दिस इज़ ब्लेड, दिस इज़ शैंक, दिस इज़ लॉक एंड हैंडल. ये बहुत लोग सोचते हैं कि ये स्क्रू है तो उसको लॉक बोलते हैं. जहाँ पर भी फोर्सेप ऐसे लॉक हो रहा है उसको लॉक बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज़ लॉक. और ब्लेड में देर आर टू टाइप्स ऑफ कर्व. ये जो है ये वाला जो है इसको केफालिक कर्व बोलते हैं और इसको पेल्विक कर्व बोलते हैं. ओके, तो दिस फोर्सेप इज़ नॉर्मली यूज्ड अकॉर्डिंग टू द वेयर द हेड इज़. अगर हेड बहुत लो आ चुका है तो शॉर्ट फोर्सेप यूज़ किया जाता है, अगर हेड काफ़ी हाई है तो लॉन्ग फोर्सेप यूज़ किया जाता है. और इसको लाइट बनाने के लिए और बेटर ग्रिप के लिए इसमें यहाँ पे फेनेस्ट्रेशन है, यानी कि ये विंडो है, जैसे कि ये फोर्सेप का वेट भी लाइट हो जाएगा और इट ऑल्सो गिव्स बेटर ग्रिप. और इसको राइट एंड लेफ्ट ब्लेड्स के नाम से आइडेंटिफाई करते हैं. जो पार्ट मदर के राइट साइड में जाएगा उसको राइट ब्लेड, और जो मदर के लेफ्ट साइड में लेफ्ट पेल्विस के साइड में जाएगा उसको लेफ्ट फोर्सेप बोलते हैं. सो दिस इज़ अबाउट द फोर्सेप. ओके, सो आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा. दिस विल हेल्प यू इन योर वाइवा. और इसी तरह मेरे वीडियोज़ को देख व्यू करते जाए, लाइक करते जाए और शेयर करते जाए, और मुझे कमेंट्स दें कि आपको मैं और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए. थैंक यू वेरी मच.